जैन परंपरा का महान आध्यात्मिक पर्व पर्युषण पर्व महापर्व के पांचवें दिन अनुव्रत चेतना दिवस के रूप में मनाया गया। तेरा पंथ धर्म संघ के एकादशम आचार्य श्री महाशमन जी अपनी धवल सेना के साथ जन जन में अनुव्रत के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गणाधिपति श्री तुलसी जी ने 1948 में अनुव्रतों की परिकल्पना कर जन जन को मानवीय चेतना के लिए जागृत करना प्रारंभ किया था। जन परंपरा का महान आध्यात्मिक पर्व पर्युषण महापर्व के पांचवें दिन अनुव्रत चेतना दिवस के रूप में मनाया गया। तेरा पंथ धर्म संघ के एकादशम आचार्य श्री महाशमन जी अपनी धवल सेना के साथ जनजन में अनुव्रत के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गणाधिपति श्री तुलसी जी ने सन 1948 में अनुव्रतों की परिकल्पना कर जनजन को मानवीय चेतना के लिए जागृत करना प्रारंभ किया था। वरिष्ठ उपासिका डॉक्टर वीर बाला छाजेड़ ने कहा, भावपूर्ण गीतिका को लेकर कहा कि तीन प्रहर तो बीत गए, बस एक प्रहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। इसके माध्यम से मानव को अपनी सम्यक दृष्टि जागृत करने का आह्वान किया। अपने श्रावक के मनोरथों की चर्चा करते हुए भगवान महावीर के जीवन के कुछ पहलुओं के माध्यम से धर्म सभा को समता की साधना की प्रेरणा दी। विश्वभूति के मन परिवर्तन के प्रसंग की विवेचना के साथ ही अनेक अन्य ऐतिहासिक तथ्यों पर यहां पर प्रकाश डाला गया। आपने सम्यक दृष्टि कैसे बने की बात करते हुए कहा कि सम्यक ज्ञान कर्मों की निर्जरा करता है। उपासिका श्रीमती साधना कोठारी ने मानव मात्र के उत्थान के लिए गणाधिपति श्री तुलसी जी द्वारा प्रारंभ किए गए अभियान अनुव्रत के नियमों का वाचन कर धर्म प्रेमियों को अनुव्रत संकल्प के लिए प्रेरित किया। और फिर अगर कोई व्यक्ति हुआ 10,000 की, हाँ ठीक है, हो रहा है, चल जाएगा।
हमेशा सेम है, एंगल अलग अलग, गुस्सा अलग अलग, उससे भी क्वांटिटी उसका टाइम सब अलग अलग। जैसे कि अलग अलग सिचुएशन से गुस्सा आता तो सबको सेम आना चाहिए, सबको आना चाहिए। और ऐसा तो नहीं होता किसी को ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है, किसी को मतलब दिन चलता है, किसी को दिन में हो जाता है। ओके चलो, वैसा भी हमारा नेचर, हम अपना नेचर चाहे जैसा बनाए, गुस्से बना ले या हंसमुख बना ले, और आप अच्छी वाइब्स दोगे तो सब आपके आसपास बैठेंगे। और हमारी वाइब्स अगर अच्छी नहीं तो कोई बैठेगा आप पर, गुस्सा करेंगे तो कोई बैठेगा। अगर हमारा स्वभाव तो नहीं होगा तो सब इधर उधर आने के बाद अपने अपने रूम में चल जाएंगे, और कोई हंसमुख होगा एकदम हंसते खुलाते आता है घर में तो क्या करते चाहिए उसके पास बैठ जाते। तो अपनी पर्सनैलिटी बनाना अपने हाथ में है, अपना स्वभाव बनाना अपने हाथ में है, और दूसरा स्वभाव नहीं है। कितनी देर गुस्से में रहते आप, ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट, दो मिनट, पाँच मिनट, उसके बाद शांति। शांति हमारा स्वभाव है, गुस्सा हमारा स्वभाव नहीं। थोड़ी देर के लिए पानी गर्म कर सकते हो, जब वापस ठंडा हो जाता है, कितनी देर गर्म रहेगा, स्वभाव ही नहीं उसका। तो आ गया, चला गया, खत्म करो और वापस अपने नेचर में आओ। गुस्सा जितना कम लालच होगा, जितना हमारा पकड़ कम होगी, हमारे विचारों से पकड़, हमारी पकड़ क्या है विचारों से, है ना, कि मैं ये चीज़ फॉलो करती हूँ या ये इस तरह से करती हूँ, तो सामने वाले को भी वैसे ही करना चाहिए। पर वो वैसा नहीं करता तो आपको गुस्सा आ रहा है। मान लो आप मम्मी से बहुत प्यार करते हो, मम्मी के लिए कुछ बोल दे बुराई करते हो, गुस्सा आया ना। पकड़ विचारों की पकड़, ये हमको सामने वाले की मर्जी को क्या बोले हमारे कंट्रोल में तो नहीं। मत मिलो उसे, दूर रहो उसे, माफ करो उसको, है ना, रोज कुछ बोलेगी, रोज हमको गुस्सा आएगा, इससे अच्छा उसको समझाओ नहीं, ऐसा नहीं है, क्लियर करो। तो बहुत जरूरी है हम चीज़ों को समझें और अपने आप को क्या बनाए, हमारे हमारे सॉरी हमने अपनी लाइक और डिसलाइक को इतनी पकड़ लिया है कि ये मैं लाइक करती हूँ, मैं डिसलाइक करती हूँ, तो अपने तक रखें। हम दूसरों में थोपेंगे ना या दूसरे आप में थोपेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, आपको लगेगा अरे मेरे ऊपर क्यों, आपको करना है, आपको सामयिक करना है, आपको सही मर्जी नहीं है, मैं अपना नहीं कर रही, है ना। ज़बरदस्ती करने से हमको गुस्सा अच्छे के लिए बोलते हैं, अच्छे उसमें ग्रहण करेंगे तो हम उससे को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, आने से रोक सकते हैं। आने के बाद कंट्रोल में सिचुएशन नहीं होगी। मैं ध्यान इसी भी प्रयोग करवा रही हूँ क्योंकि हमारी कंट्रोलिंग प्लान है यहाँ, आई वो थेरेपिस्ट भी करी तीन प्लान कंट्रोलिंग है हमारी। और यहाँ अगर आपने कंट्रोल कर लिया एक सेकेंड का समय लगता है रिएक्ट करने, वो कंट्रोल ध्यान से आता है अपने आप, तो सजेशन देने से आ रहा है, तो सजेशन से मेरा वो शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए, पहले रिलैक्स हो जाओ फिर आप सजेशन दो, तो आपको वो चीज़ इफेक्ट करेगी, ऐसे काम करता है। तो आत्मा के साथ बात हो, उद्देश्य और फिर हमारे मतलब मन वचन काया काम करते हैं, आत्मा के साथ मिलके कैसे, आत्मा है, कर्म शरीर है, प्राण शक्ति है, तेजस शरीर है, सब आपके चारों तरफ सराउंडिंग्स में, और फिर वो आता है ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स को आपने कंट्रोल किया तो पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट हुआ पूरी बॉडी में, एक सेकेंड में जहरीले दर्द भी सिक्रीट होते हैं और अमृत रस भी सिक्रीट होते हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, खुद की पावर को पहचानो और अपना कंट्रोल को सेल करिए, जो भी बहुत अच्छा है क्या तो आप मंगल पाठ सुना दो क्या, और जिज्ञासा समाधान है किसी का, सब समाधान हो गया आपको जिज्ञासा नहीं कर रहे, ठीक है ना। मंगल पाठ चतारी मंगलम हरता मंगलम सीता मंगलम सारू मंगलम केवली परम चतारी।
सुनाई दिया मुझे बड़ा कहीं कहीं नहीं आ रही।
एक काम तो काम करता ही नहीं, एक काम काम करता मैंने भी सामने सुनता हूँ ना, थोड़ा मतलब घबराहट अलग आ जाती है, पीछे बहुत गिर रहा आज कह रहे कुछ पंखे कम कर रहे हैं एक नंबर बहरहाल इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।